दोस्तों नमस्कार, आप चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और एमएसएमई हेल्पलाइन आपकी मदद करेंगे आपके स्ट्रेस्ड अकाउंट का रीस्ट्रक्चरिंग बैंक के द्वारा कराने में। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने 5 मई 2021 को एक पैकेज अनाउंस किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो एमएसएमईज हैं, इंडिविजुअल्स हैं और स्मॉल बिजनेसेस हैं उनका एक बार और रीस्ट्रक्चरिंग किया जा सकता है। दोस्तों उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो नोटिफिकेशन इशू किए। एक नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया कि भाई अगर आप एक एमएसएमई हैं तो आपके अकाउंट का रीस्ट्रक्चरिंग कैसे होगा, और दूसरा नोटिफिकेशन उन्होंने एक और इशू किया 5 मई 2021 को ही। उसमें उन्होंने बताया कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आपने लोन ले रखा है या आप एक स्मॉल बिजनेस चलाते हैं, तब आपके लोन का अगर वो स्ट्रेस में है तो रीस्ट्रक्चरिंग कैसे की जा सकती है। दोस्तों मैं दो अलग अलग वीडियो में आपको बताऊंगा एमएसएमई लोन का रीस्ट्रक्चरिंग, और दूसरी वीडियो में कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और या एक स्मॉल बिजनेस चलाते हैं तब आपके लोन का रीस्ट्रक्चरिंग कैसे किया जा सकता है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक एमएसएमई हैं तब आप अपने स्ट्रेस लोन का रीस्ट्रक्चरिंग कैसे करा सकते हैं। और ये देखने से पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं अपनी अगली वीडियो पोस्ट करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों इस वीडियो को इतना फैला दो, इसको इतना शेयर कर दो कि जितने भी हमारे 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज हैं सबके पास ये पहुंच जाए और हम उनमें से जितने भी एमएसएमईज हैं उनकी मदद कर सकें और वो ये वीडियो देखकर अपनी मदद खुद भी कर सकें। मैं यहां नीचे एक फॉर्म भी दूंगा जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन मुझे भेजिए। हम बहुत जल्द इसके ऊपर एक वेबिनार भी करेंगे, वहां भी आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपको अगर हमारी मदद की जरूरत है तो हम वो भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस 5 मई 2021 के उस नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी लेने के लिए जहां मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक एमएसएमई हैं और आपका लोन अकाउंट स्ट्रेस में है तो आप अपने अकाउंट को बिना डाउनग्रेड कराए हुए, यानी स्टैंडर्ड अकाउंट है तो स्टैंडर्ड ही रहेंगे, कैसे रीस्ट्रक्चरिंग करा सकते हैं अपने बैंक द्वारा। दोस्तों इसकी कुछ एलिजिबिलिटी है कि कौन कौन सी एमएसएमई हैं जो इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो एलिजिबिलिटी नंबर वन, कंडीशन नंबर वन है कि जिसके द्वारा आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं कि आपका बिजनेस एक एमएसएमई क्लासिफाइड बिजनेस होना चाहिए, यानी आपका एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, आप आई बटन दबाकर देख सकते हैं कि आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन यहां कह दिया है कि देखिए 31 मार्च 2021 को आपका जो बिजनेस है वो एमएसएमई में क्लासिफाई होना चाहिए, और ये मैंने आपको पहले बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने एक सर्कुलर इशू किया था, एक नोटिफिकेशन इशू किया था जिसका नंबर है 2119 ब्रैकेट में ई 26 जून 2020 को। आप इसको भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मैं एक अपनी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने में चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और एमएसएमई हेल्पलाइन कैसे मदद करेंगे। तो पहली कंडीशन हुई कि आपका क्लासिफिकेशन होना चाहिए एमएसएमई एज ऑन 31 मार्च 2021। दोस्तों इसकी दूसरी कंडीशन है कि देखिए आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी जो टर्नओवर है वो जीएसटी की लिमिट के बाहर है, आप एग्जेम्प्ट है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तब आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस स्कीम का फायदा लेने के लिए कंडीशन नंबर तीन ये है कि आपका टोटल एग्रीगेट एक्सपोजर, जितने भी आपने लोन ले रखे हैं चाहे वो बैंक से हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो या एनबीएफसी से हो, चाहे वो फंड बेस्ड हो या नॉन फंड बेस्ड हो, 31 मार्च 2021 को 25 करोड़ के अंदर अंदर होने चाहिए। दोस्तों इसकी अगली कंडीशन है इस स्कीम का फायदा लेने के लिए कि देखिए आपका अकाउंट 31 मार्च 2021 को स्टैंडर्ड कैटेगरी में होना चाहिए, यानी आपका अकाउंट
सब स्टैंडर्ड या एनपीए में क्लासिफिकेशन अभी उसका नहीं करना चाहिए बैंक के द्वारा। दोस्तों इसकी एक और कंडीशन है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तीन बार अनाउंस किया, एक बार उन्होंने कहा 1 जनवरी 2019 को, दोबारा उन्होंने कहा 11 फरवरी 2020 को, और तीसरी बार उन्होंने कहा 6 अगस्त 2020 को कि कैसे बैंक्स आपके स्ट्रेस लोन अकाउंट का रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं और आपका अकाउंट डीग्रेड यानी डाउनग्रेड यानी स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड भी नहीं होगा। यहां एक कंडीशन यह है इस नई स्कीम जो 5 मई 2021 को अनाउंस की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि देखिए आपने पहले ये जो मैंने आपको तीन सर्कुलर बताए 1 जनवरी 2019, 11 फरवरी 2020 या 6 अगस्त 2020, इनमें से किसी भी स्कीम के अंतर्गत आपने अपने अकाउंट का पहले रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करवाया होना चाहिए। दोस्तों इसकी आप कुछ मैं आपको टाइमलाइन बताता हूं। रिजर्व बैंक ने कहा है अपने इस 5 मई 2021 के सर्कुलर या नोटिफिकेशन के द्वारा कि देखिए आप इसका इन्वोकेशन 30 सितंबर 2021 तक जरूर कर लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि भैया ये इन्वोकेशन क्या होता है? इन्वोकेशन का मतलब है जब आप और आपका बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, जब आप दोनों तैयार हो जाएं इस बात के लिए कि हां हम इस रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल में आगे बढ़ेंगे, यानी आपका एप्लीकेशन उनके पास चली जाए और वो एग्री कर ले कि ठीक है हम इसको प्रोसेस करने के लिए तैयार हैं, वो डेट आपकी कहलाएगी डेट ऑफ इन्वोकेशन और ये 30 सितंबर 2021 तक जरूर कर लेना है। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन, कंप्लीट एप्लीकेशन देनी है अपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी को कि भैया मेरा ये अकाउंट स्ट्रेस में है, आप प्लीज इसको रीस्ट्रक्चर कर दीजिएगा 5 मई 2021 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है और उसके बाद मुकेश मोहन गुप्ता ने ये सारी स्कीम हमें बताई है। दोस्तों अगर आपको इस एप्लीकेशन बनाने में कोई मदद चाहिए तब भी आप नीचे दिए हुए फॉर्म में अपनी डिटेल दीजिए और हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करके आपकी मदद करेगी ये एप्लीकेशन बनाने के लिए भी। और हाँ दोस्तों, जब आप अपनी ये एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे अपने बैंक में, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपके बैंक को अपना डिसीजन बताना होगा कि भाई हम आपका ये रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए तैयार हैं या किस कारण से हम ये रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया कि इन्वोकेशन आपको यानी आपको और आपके बैंक को तैयार होना है 30 सितंबर 2021 तक और उसके 90 डेज के अंदर अंदर इसका इंप्लीमेंटेशन भी कर देना है, यानी ये पूरा रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट कर देना है आपके और आपके बैंक द्वारा। दोस्तों इस स्कीम की एक दो और खास बात आपको बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई देखिए एलिजिबिलिटी ये है कि 31 मार्च 2021 को आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब अगर आपका अकाउंट 1 अप्रैल 2021 को एनपीए हो गया, सब स्टैंडर्ड हो गया, तब क्या करेंगे? दोस्तों यहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि देखिए अगर आपका अकाउंट 1/4/2021 से डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन की डेट तक कभी भी यानी प्रोसेस चल रहा है लेकिन उसी बीच में आपका अकाउंट एनपीए भी हो गया, तब भी रिजर्व बैंक ने कहा है कोई बात नहीं, जैसे ही आपका इंप्लीमेंटेशन होगा आपके रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल का, आपके अकाउंट को सब स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। है ना दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात। दोस्तों एक बात और, मैंने आपको बताया कि भाई देखिए पहले किसी भी सर्कुलर के अंतर्गत आपका रीस्ट्रक्चरिंग नहीं हुआ होना चाहिए अगर आप इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं। अब दोस्तों आपको लगा कि भैया मैंने एक रीस्ट्रक्चरिंग का फायदा तो पहले ले लिया था लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी वर्किंग कैपिटल का रीअसेसमेंट हो जाए, मेरा कुछ मार्जिन कम कर दे बैंक, या मेरी कुछ वर्किंग कैपिटल साइकिल है उसको कुछ बढ़ा दे, उसमें कुछ चेंज कर दे। आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक कहता है कि भैया नहीं ये तो फिर रीस्ट्रक्चरिंग कहलाएगा इसलिए हम ये नहीं करेंगे। दोस्तों अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि अगर आपने पहले किसी स्कीम के अंतर्गत इस रीस्ट्रक्चरिंग का फायदा लिया है तब भी आपका बैंक आपके वर्किंग कैपिटल का रीअसेसमेंट कर सकता है और वो रीस्ट्रक्चरिंग में नहीं आएगा, यानी आपका कोई मार्जिन कम करना है, आपके वर्किंग कैपिटल की साइकिल को बढ़ाना है,
आपका वर्किंग कैपिटल और एनहेंस करना है वो रीस्ट्रक्चरिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा इस स्कीम के अंतर्गत। तो दोस्तों जल्दी कीजिए, दिए हुए फॉर्म में जो डिस्क्रिप्शन में है अपनी डिटेल मुझे भर के भेजिए। उसके दो फायदे होंगे, एक तो आप मुझे बताइए कि आपको अगर हमारी कोई मदद की जरूरत है इस रीस्ट्रक्चरिंग के लिए तो हमारी टीम आपकी मदद करने के लिए तैयार है, और हम एक वेबिनार कर रहे हैं इस पर बहुत जल्दी, उसके लिए भी मैं आपको इनविटेशन भेज दूंगा। दोस्तों ये जो स्कीम अनाउंस की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उसमें ये भी कहा है कि जितने भी बैंक्स हैं भैया आप अपने बोर्ड से भी एक पॉलिसी बना लीजिएगा पूरी इस रीस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटी के लिए। मेरी कुछ बैंक से बात हुई है और सभी बैंक्स तैयार हैं और जुटे हुए हैं इस कोरोना काल में भी इस रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अपने बोर्ड से पॉलिसी अप्रूव कराने के लिए। मैं बहुत जल्द आपके पास आऊंगा एक वेबिनार के द्वारा, और वहां पर मैं इनवाइट कर रहा हूं कुछ सीनियर बैंकर्स को भी, वो भी हमें बताएंगे कि इसके लिए और क्या करना होगा। धन्यवाद, नमस्कार।